करीब 9 बजे में थाना में ड्यूटी अफसर तैनात था। कपिल नाम का लड़का सेक्टर 13 से है, कोठी नंबर 112 सेक्टर 13 में। एक लड़की लगभग उम्र 15 साल, उसके बूढ़े माँ बाप जो रहते थे मकान मालिक उनके पास रहती थी बच्चों को खिलाने के लिए। रात को उसने सुसाइड कर लिया, ये सूचना आई थी। लड़की का नाम काजल, डॉटर ऑफ सतपाल, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद बॉडी को लेकर के उसके माँ बाप को साथ ले गए थे, उनका उनकी मौजूदगी में बॉडी को उतार करके सीन ऑफ क्राइम टीम मौके बुलाई थी। क्या कोई सुसाइड नोट भी मिला सर? नहीं, सुसाइड नोट कोई नहीं मिला सर किसी प्रकार का। ये माँ बाप वहीं हाजिर हैं, अभी बयान लिखेंगे, उसके बाद पता लग जाएगा क्या। 13 सेक्टर में काम करने जाती थी, और सुबह को जाती थी, सांझ को आ जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घरवाली यहाँ 14 सेक्टर में आ गई। उसके मम्मी पापा ने बोला कि मेरी लड़की जो है, तेरी लड़की मेरे घर रहेगी 2-4 दिन, मैं जब तक वो आएगी फिर जो है वो जो है अपने मेरे बेटे समान रहेगी। फिर वो जो है गई, उसने जो है वो आएगी यहाँ पे, उस दूसरे दिन को मेरी लड़की का उसके घर वाले ने दारू पी के और जो है उसका बलात्कार करा, बलात्कार करके उसको फांसी मार के गले में फांसी लटका दी। अब आपका क्या आरोप है? हमारा ये आरोप है, हमें चाहिए मुलजिम, हमें जैसे लड़की चाहिए, हमें जैसे लड़की मारी है ऐसी हमें लड़की चाहिए। अब और क्या मांग करते हैं आप? गिरफ्तारी मांग तो जी अंदर करो, ठाक है? गिरफ्तारी हमें चाहिए, गिरफ्तारी। मेरी लड़की सफाई करती थी कोठी में, उनके पास जाके सफाई करने के बाद रोज का आना रोज का जाना था। उसकी बहू चली गई, मैं बोली कि बहन 2 दिन के पास अपनी गुड़िया छोड़ दे, खाने को मैं परेशान हूँ बनाने से, अपनी बेटी समझ गया मेरे पास छोड़ दे, 2 दिन ताई छोड़ दे। हमने सोचा कि हम देख कांगे फिर बालक के ताई आएगी नहीं आएगी। हमारे जाता ही उन्होंने जो है ना, कोई किंगो जावे कोई किंगे भी जावे, हमने कहा आंटी हमारी गुड़िया कहाँ है? ना रही है बाथरूम में, अभी आ जा कपड़े बदल रही है, अभी आ रही बाथरूम में। हम देख के हमने जब जाकर गेट खोला, फांसी के फंदे पर लटकी पड़ी, पैर नीचे हैं, हाथ खाट पर रखे हैं, चारपाई पर रखे हैं हाथ। देखते इतनी मारी के मुंह में खून निकल रहे हैं, फांसी लगा कर मार कर टांग दई।